किसी भी सांसद को जो है चुनाव लड़ना है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड हाई कमांड, और ज्यादातर सोच वो बन रहा है कि किसी को इजाजत नहीं देना। आज वेनसडे है ना, तो बाय सैटरडे आई थिंक वी शुड बी रेडी विद आवर फाइनल रिकमेंडेशन। सिलेक्शन की रेंज भी इनके पास जो आज जो कमेटी के पास बड़ी हो रही है, और जो 2,500 जो आवेदन आए थे उनका भी इंटरव्यू है, उनमें से भी एक शॉर्ट लिस्ट कल परसों मेरे पास आएगा, उनमें से भी कई नाम जो है निकाल के जरूर से हमारे चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे। हो सकता है कि उनमें से भी कोई बंदे का जो है नाम फाइनल के बेटे भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है वो चाहेंगे। चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक है, ऐसे में टिकटों पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें अजय माकन, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा, साथ ही साथ उदय बान समेत कई नेता मौजूद थे। लेकिन उस मीटिंग में एक बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद को टिकट नहीं मिलेगी, और अगर वो फिर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करनी होगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कुमारी सैलजा इस बात की इच्छा जता चुकी हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर भी अटकलें थी क्या वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उन्हें टिकट मिलेगी। लेकिन दीपक बाबरिया ने साफ कर दिया है, जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद को टिकट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि 18 से 19 उम्मीदवारों पर मंथन पूरा हो गया है, उनकी चर्चा लगभग पूरी फाइनल हो गई है। और क्या कुछ कहा है दीपक बाबरिया ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग की शुरुआत हुई है, और अभी तक जो है एक घंटे डेढ़ घंटे में 10-15 सीटों के पर जो है एक कह सकते हैं कि ऊपर से एक उसका निरीक्षण किया गया है, चर्चा हुई है, फाइनल डिसीजन तो लेने में और एक दो दिन लगे। ऐसे नहीं हो सकते, एक विधानसभा सीट में जो है जी कई कैंडिडेट हो सकते हैं, मगर उसमें से द कमिटी इज ट्राइंग टू शो डाउन टू 3-4-5 इस प्रकार से कर रही है। सर, अभी कितने दिन और स्क्रीनिंग कमेटी होगी और कब तक मानेगी? दो तीन दिन तो लगेगी स्क्रीनिंग कमेटी को, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पहले आज जो है टुडे इज अ वेनसडे, थर्सडे आज कौन सा दिन है? आज वेनसडे है ना, तो बाय सैटरडे आई थिंक वी शुड बी रेडी विद आवर फाइनल रिकमेंडेशन। सर, क्या जो सीईसी सर, फॉर सीईसी कितने उम्मीदवार? अरे पुरानी बात हो गई, आप किस किस के ड्रिप लेके घूम रहे हो? सर, कितने कंपटीशन लग रहा है क्योंकि 2000 से ज्यादा आवेदन आया था, कितना जो है? मैं समझ रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है, सिलेक्शन की रेंज भी इनके पास जो आज जो कमेटी के पास बड़ी हो रही है, और जो 2,500 जो आवेदन आए थे उनका भी इंटरव्यू है, उनमें से भी एक शॉर्ट लिस्ट कल परसों मेरे पास आएगा, उनमें से भी कई नाम जो है निकाल के जरूर से हमारे चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे। हो सकता है कि उनमें से भी कोई बंदे का जो है नाम फाइनल। सर, विधायकों की भी क्या टिकट कट सकती है? रणदीप सिंह, आप सब लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, आप बात खड़ा कर दो, मैं कहूँ वही बोले। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सर, रणदीप सिंह के नाम आ रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं जी? आपका प्रश्न क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या रणदीप सिंह के बेटे भी इस बार चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है वो चाहेंगे। सर, क्या विधायकों की टिकट कट सकती है इस बार? मौजूदा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकमबेंसी हो तो कट सकती है। सर, सिर्फ सर्वे के आधार पे टिकट दिया जा रहा है या कोई बड़ा नाम बड़ा चेहरा उसके आधार पे भी? क्या
किसी भी सांसद को जो है चुनाव लड़ना है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड हाई कमांड, और ज्यादातर सोच वो बन रहा है कि किसी को इजाजत नहीं देना। सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, जो उनको इस विधानसभा की दावेदारी दी जाएगी या नहीं, वो भी चुप। लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जो दावेदारी आएगी तो कमिटी का रुख तो वो रहेगा कि जो है दे शुड फोकस ऑन द कैंपेन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेस्टिंग। चलो चलो चलो। मीटिंग के बाद जब दीपक बाबरिया बाहर आए तो उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं। इस पर दीपक बाबरिया ने कहा कि अगर उनके दाग धब्बे ज्यादा हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनकी टिकट कट भी सकती है। यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं और उनकी वहां पर हवा अच्छी नहीं है तो कांग्रेस बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, उनकी टिकट काट भी सकती है। पहली लिस्ट कांग्रेस की कब तक जारी होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन 18 से 19 सीटों पर मंथन पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में लगातार मीटिंग का दौर जारी रहेगा और उसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। देखना यह होगा कि किस किस उम्मीदवार को कहां कहां से टिकट मिलती है और उनका विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।